गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तीज डायरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम थोड़ी सी परेशानी में हैं क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत हो गई थी ख़राब। कल से उसे थोड़ा कोल्ड वगैरह तो था, पर रात को उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। उसको ब्रेथलेसनेस होने लग गई थी और वो सांस नहीं ले पा रहा था। पूरी रात भर जो है हम बहुत परेशान रहे, बहुत मुश्किल से हमने पूरी रात काटी है। उसको मैं जितनी देर गोदी में बिठा के रख रही थी उतनी देर तो वो सांस ले पा रहा था, लेकिन अगर मैं उसे नीचे लेटा रही थी तो वो सांस ही नहीं ले पा रहा था। तो बहुत परेशानी हुई आज रात। और सुबह फिर 5 बजे हमने उसको नेबुलाइज़र दिया और तब जाके वो बेचारा 2 घंटे सो पाया है। और सुबह 7 बजे मेरी बेटी का स्कूल भी होता है तो हम फिर उसके बाद वो रेडी हो गई थी और मैंने उसके लिए नाश्ता बना के उसके बाल बाल बना के उसे स्कूल भेज दिया है। तो अब आज है अहोई अष्टमी और मैं इसका व्रत रखती हूँ। तो देखिए, जब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती तो व्रत रखने का मन तो नहीं कर रहा है मेरा, पर क्या करें, अब रखा है तो रखना ही पड़ेगा। और इसको फिर मैं ऐसा करूँगी कि अभी मैं फटाफट से यहाँ सफाई वगैरह करके उसके बाद जो है मैं अपनी पूजा करके इसको लेके जाऊँगी डॉक्टर के पास जितना जल्दी हो सके। और बाकी दिन में जो जो भी होगा आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी हूँ और मैंने जल्दी जल्दी कर दी थी पूजा, क्योंकि जब बस ऐसे ही था, थोड़ा मन मेरा लग नहीं रहा था क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो रखी थी। तो मेरी जैसा आपको उत्साह होता है काम करने में, वो मेरा आज था नहीं, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत रात भर बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे उसे जल्दी से जल्दी ले जाना था डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो बस फिर नहा के मैंने फटाफट कर ली थी पूजा। पूजा हो चुकी है और ये देखिए यह पूजा, वैसे ही सेटअप किया है मैंने जैसे करवा चौथ पे किया था। और मेरा बेटा जो है वो अभी सो रहा है, इसको हमें दोबारा नेबुलाइज़र देना पड़ा तभी जाके उसको नींद आ पाई है। और हम वेट कर रहे हैं कि 10:30 बज जाए तो हम डॉक्टर के पास ले जाएं इसको। तो देखते हैं, 10 तो बज चुके हैं, 10:30 बजे तक ही आते हैं डॉक्टर, इतनी जल्दी आते नहीं हैं। और अभी सो भी रखा है तो मैं तब तक इसके कुछ खाने के लिए मूँग की दालियाँ वगैरह कुछ बना लेती हूँ ताकि वो थोड़ा सा खा ले, तब उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी। यहाँ पर उसके पापा आ गए थे और हम जाने लगे थे डॉक्टर के पास। तो बहुत ज़्यादा खांस रहा था, बहुत ज़्यादा सांस लेने में उसको बहुत परेशानी हो रही थी, सांस नहीं ले पा रहा था और मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तो और फिर उसके बाद दिखा के मैं डॉक्टर से ले आई थी। आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ है हॉस्पिटलों में, सभी लोग मेरे ख्याल से बीमार हो रहे हैं, सभी बेचारे हॉस्पिटल भरे हुए हैं। और यहाँ मैं उसको पिलाने की कोशिश कर रही हूँ दवाई, और वो दवाई पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा नखरे कर रहा है। तो बड़ी मुश्किल से, छोटे बच्चों के साथ यही परेशानी है कि बहुत मुश्किल से उनको दवाई देनी पड़ती है, पर इसके बाद उसे आराम आ गया था। तो फ्रेंड्स, मैं अपने बेटे के लिए दवाई लेके आ गई थी और अब वो थोड़ा ठीक है। और आज हमारा है करवा चौथ, उसका अहोई का व्रत, तो उसके लिए सबके सब आ रखे हैं पूजा करने के लिए। किधर दिया बैठे और चौकी लगा रखी है, तो अब हम करेंगे पूजा। थोड़ा सा एक मेंबर और आ रहा है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ सब आ चुके हैं और पूजा जो है हमारे घर में ही, मेरे घर में ही हो रही थी। तो सभी जितने भी हम मिलके पूजा करते हैं वो सब आ गए थे। ये सब मेरी देवरानी और जिठानियाँ ही हैं, तो हम सब मिलके पूजा करते हैं। तो बस कथा वगैरह पढ़ी और पूजा करी। और इस टाइम तक मैंने दवाई अपने बेटे को दे दी थी, 1-2 डोज सुबह से, तो उसको थोड़ा सा फ़र्क आ गया था और अब वो थोड़ा सा उतना परेशान नहीं था जितना पहले था। तो अब जाके मेरा मन जो है वो थोड़ा लग रहा था, या मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था कि चलो वो ठीक है। क्योंकि देखिए, आज दिन भी यही है कि बच्चों के लिए हम अहोई का व्रत वगैरह रखते हैं, और आज मेरे बेटे की भी साथ में तबीयत ख़राब हो गई, तो मन बड़ा ही ख़राब सा हो रखा था। पर शाम तक जब उसमें थोड़ा सा फ़र्क आया तो मुझे थोड़ा सा चैन मिला। तो बस जी, अब हम पूजा वूजा करेंगे, इसके बाद आरती हुई। थोड़ा बहुत हम जब पूजा करते हैं तो साथ में थोड़ा सा भजन वगैरह गा लेते हैं कि चलो ठीक है, बैठे हैं तो कुछ कर लें संगत, जब तक कि खाना बनाने का टाइम नहीं हो जाता। तो हम एक दूसरे को बांध रहे हैं हाथ में कलावा, टीका वगैरह लगाएंगे एक दूसरे को, और फिर जो है हाथ में लेकर गेहूँ के दाने और कथा सुनेंगे। तो यहाँ सब के सब अपने अपने गेहूं के दाने गिन रहे हैं।
और बस वही थोड़ी बहुत हंसी ठिठोली भी साथ में चल रही है। जब बहुत सारी लेडीज़ एक साथ हो जाती हैं तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक तो होती ही है। तो बस सब गिन रहे हैं अपने दाने वगैरह और उसके बाद हम जो है करेंगे कहानी सुनने की, जो भी वो होती है वो करना शुरू करेंगे। और ये देखिए मेरे बगल में बैठा है मेरा बेटा, अब थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा है तो मुझे भी थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। यहाँ पर हमने कहानी पढ़नी शुरू कर दी थी, कहानी मैं सुना रही हूँ सभी को। हमारे यहाँ कोई छोटी बच्ची वैसे तो हैं पर सब ट्यूशन जा रखे थे तो हमने ही कहानी पढ़ ली थी आपस में। हम पढ़ लेते हैं, अगर बच्ची ना हो तो हम खुद ही कहानी को पढ़ लेते हैं और पूजा वगैरह कर लेते हैं। तो बस फिर पूजा करने के बाद हुई आरती। आरती वगैरह करने के बाद हमने बोले एक दो कीर्तन भजन थोड़े से, अब जब पूजा कर ही रहे हैं तो एक दो कीर्तन भजन भी हो जाएं, इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो बस अब सब यहाँ कीर्तन वीर्तन होने के बाद, पूजा होने के बाद फिर हमने सब ने लेडीज़ ने मिलकर थोड़ी देर बैठे थे, गप्पे वगैरह मार रहे थे और चाय वगैरह मैंने बना दी थी उनके लिए ताकि वो भी थोड़ा सा बैठ के चाय वगैरह पी के तब वो चले गए थे। जब बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं तो ये अच्छी बात होती है कि आपके घर में कोई भी फेस्टिवल है या आपका कोई फास्ट है तो आपको पता नहीं चल पाता, टाइम अच्छे से गुजर जाता है। तो वैसे तो बहुत अच्छा गुजरता है बट आज वही बस अपने बेटे की तबीयत की वजह से मुझे थोड़ा सा मूड मेरा ख़राब था। माता की जय, जय हो माता, जय माता। ऐसी गाना ना कोई और जम जम। तो मैंने अहोई का जो पूजा वगैरह था, पूजन विधि वो सब कर दी है और भोग वगैरह भी बना लिया है। तो अब बस व्रत मेरा पूरा होने वाला है, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं तो उसके बाद जो है मैं पूजा करके व्रत खोलूँगी अपना। और मेरा बेटा भी अब थोड़ा ठीक है, हम दवाई लेके आए थे उसकी और नेबुलाइज़र भी उसे एक दो बार दिया है तो अब वो थोड़ा आराम में है और देखते हैं आई होप रात को भी वो आराम से सो पाए। अब देखिए उसको थोड़ा निमोनिया की जैसी शिकायत है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर यह है कि कल रात वो बहुत ज़्यादा परेशान था, हो सकता है आज थोड़ा आराम से सो जाए। तो बस इसी तरह गुजरा मेरा आज का दिन और मेरी भगवान से प्रेयर है कि आप सबके बच्चे भी, जो जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं उन सभी को मैं ये प्रे करना चाहूँगी भगवान से कि आप सबके बच्चे भी अच्छे से रहें, मस्त रहें, खुश रहें। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड आई होप आपको मेरे साथ जुड़ने में अच्छा लगा होगा। टाटा बाय बाय।